जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है पर्यावरण के। तो चलिए देख लेते हैं आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से कहलाते हैं, ये संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहलाते हैं परितंत्र। क्वेश्चन नंबर दो यहाँ पर पूछा गया है, परितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, वर्षा, ताप, मृदा या फिर पादप। तो राइट आंसर है यहाँ पर पादप जो है यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीन पूछा गया है, परितंत्र में अजैव घटक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, अजैव घटक का उदाहरण बताना है परितंत्र में। तो वायु, वायु ये जो है एक अजैव घटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चार पूछा गया है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, अपरदन, अजैव निम्नीकरण या फिर जैव निम्नीकरणीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। वे पदार्थ तो जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वह क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जैव निम्नीकरणीय कौन है, जैव निम्नीकरणीय कौन है ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर जो केला का छिलका है ये एक जैव निम्नीकरणीय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, निम्न में से अजैव निम्नीकरणीय कौन सा है, प्लास्टिक, मृत जीव, केला का छिलका या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कोई नहीं लिखा है, तो प्लास्टिक एक जो है ये अजैव निम्नीकरण माना जाता है। जैव निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं कौन, उत्तरदायी हैं जीवाणु, हवा, ताप या इनमें से कोई नहीं। तो आठवां क्वेश्चन है और आपका सही राइट आंसर होगा जीवाणु। जीवाणु यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नौ देखिए कि प्राकृतिक परितंत्र निम्न में से कौन है, प्राकृतिक परितंत्र पूछा है। तो प्राकृतिक परितंत्र तो माना जाता है जंगल, ये प्रकृति जो है प्राकृतिक परितंत्र माना जाता है। बगीचा और खेत ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं माने जाते हैं। कृत्रिम परितंत्र कौन सा है, देखिए कृत्रिम परितंत्र यहाँ पर पूछा है आपसे बगीचा, बिल्कुल सही, बगीचा ये जो है कृत्रिम परितंत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन अपमार्जक है, अपमार्जक पूछा है। तो जो कवक होते हैं ये कवक अपमार्जक कहलाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसरों का विकल्प नंबर सी। तो यहाँ पर इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपने। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह के और वीडियो अगर आपके लिए चैनल पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट में ज़रूर बताएँ किस विषय से संबंधित आपके लिए जो है क्वेश्चन चाहिए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।